हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएसआर फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरएसआर फाइनेंस पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कि दोस्तों हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। भाई एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ लोन के लिए, ठीक है। यहाँ गेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको समझना जरूरी है। भाई आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे जो है ई केवाईसी कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर होना यहाँ पर जरूरी है। अगर है तो ये लोन आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से लोन आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल जो है प्रोसीड करते हैं, ठीक है। एंटर योर पैन कार्ड नंबर, तो हमें पैन कार्ड नंबर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे आधार कार्ड पे जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर है और यहाँ पर ओटीपी आएगी हमारे पास, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ कहा जा रहा है भैया वो नंबर डालिए यहाँ पे जो आप आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। डैन एक बार हम देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ना कैसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले मैं ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पर। डन, ओटीपी आ चुकी है हमारे पास 380275, ठीक है ओटीपी आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें ओटीपी सबमिट करके मोबाइल नंबर डालना है तो हम डाल देते हैं। सर दोस्तों यहाँ पे हमें एरर शो करने लग गया, मतलब मुझे है वही मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर होगा, ठीक है। हम इसे बैक कर देते हैं और दोबारा अप्लाई करेंगे एक बारी नए नंबर से।